हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए कोई आयुर्वेदिक चीज़ लेके आई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद की कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो उससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होता है। ऐसा ही है एक त्रिफला। त्रिफला मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए। त्रिफला खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। त्रिफला तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम त्रिफला है। त्रिफला आपका हरड़, बहेड़ और आंवला, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें आपका 75% आंवला होता है, 15% इसमें बहेड़ होता है और इसमें 10% आपका हरड़ होता है। ये तीनों आपको पता ही है। जो बहेड़ जो होता है वो वात, कफ और पित्त के लिए होता है। पेट की जितनी भी गड़बड़ी होती है वो आपकी वात, कफ और पित्त से ही होती है। तो ये आपका वात, कफ और पित्त को कंट्रोल करके रखता है, जिससे आपके जितने भी पेट के इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाते हैं और आपको ये स्ट्रांग बनाता है, जिससे आप अन्य बीमारियों से लड़ सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। त्रिफला जो होता है वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। त्रिफला को पेट की सफाई के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। जितनी भी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं उन सभी में त्रिफला का यूज़ किया जाता है पेट की सफाई के लिए। तो अगर आपको अपना पेट क्लीन करना है और अपना वेट लॉस करना है और आपको एक स्वस्थ लाइफ बितानी है तो आपको त्रिफला को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। त्रिफला आपके पेट की सफाई बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसको आप सुबह गुनगुने पानी से ले सकते हो, रात को सोते समय भी गुनगुने पानी से आप इसे ले सकते हो। त्रिफला न केवल आपकी भूख बढ़ाता है, बल्कि जो भी खाते हो वो पूरी तरीके से हजम भी हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट फिटनेस पे अपनी ध्यान देते हैं, उनको त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका पेट साफ़ नहीं होगा तब तक आपको कोई भी, आप जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। त्रिफला को अगर आप सही तरीके से लेते हो तो उससे आपका वजन भी बहुत जल्दी कम होता है और आपके ये वजन को मेनटेन भी रखता है। पेट दर्द, हाजमे की खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिस या मरोड़, गैस या एसिडिटी, पेट में कीड़े होना, इन सब में भी आपका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। मुंह में छाले, मसूड़ में सूजन होना, दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, इन सब में भी अगर आप त्रिफला का यूज़ करते हो तो त्रिफला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाता है। पायरिया के, अगर आपको अगर पायरिया है तो पायरिया में त्रिफला के मंजन से भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, आपका बल्कि पायरिया ख़त्म हो जाता है। आपकी बॉडी से डिटॉक्स, यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, खून की सफाई करता है, थकान को दूर करता है, आलस्य को दूर करता है, भारीपन को दूर करता है। आप अगर इसका नियमित सेवन करते हो तो आपको बहुत तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल हल्का हल्का सा कर देता है। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हो तो आप उसको शहद में मिक्स करके ले लो। जितना आप त्रिफला लेते हो उतना ही आपको शहद भी लेना है, उसमें मिक्स करके आप इसको ले सकते हो। हरड़ इसमें जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम सही लेवल पर लेके आता है, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है जो इसमें हरड़ पड़ा हुआ है। हृदय रोग में त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हृदय की बहुत सारी बीमारियों में आपको त्रिफला बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, त्रिफला दोनों को ही सही कर देता है, क्योंकि इसमें आंवला होता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपको दमा वगैरह से, आपकी पुरानी खांसी वगैरह से, सभी से आपको आराम दिलाता है। विटामिन सी आपको पता ही है सर्दी जुकाम में कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपको ये स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन में रहते हैं, उनके लिए भी त्रिफला एक वरदान के समान होता है त्रिफला, तो इसलिए उन्हें त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए। त्रिफला आपके खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छा होता है, खूबसूरती को बढ़ाता है, आपकी स्किन में कसावट लाता है, खाल में लोच भी लाता है, बालों के लिए, बालों को चमकदार बनाता है, शानदार बनाता है, नाखून के लिए भी अच्छा होता है, कील मुहासों के लिए, फोड़ी फुंसी के लिए, सभी स्किन के जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उन सब के लिए त्रिफला एक वरदान है। आप त्रिफला को खाने के साथ साथ इसका आप यूज़ भी लगाने में भी कर सकते हो। बालों की जड़ों को ये मजबूत करता है, पतला होने से रोकता है, समय से पहले सफ़ेद होना रोकता है, झड़ना भी रोकता है, चमक बढ़ाता है, अगर आप त्रिफला के पानी को यूज़ करते हो। त्रिफला के पानी को अगर आप त्रिफला, थोड़ा सा त्रिफला
आप रात को भिगो देते हो 500 ग्राम पानी में, और फिर आप उसको छान कर आप उसके बालों में मसाज करते हो, या फिर इससे आप आँखों को धोते हो तो आँखों की रोशनी भी बहुत तेज, यानी कि आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और आपका बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। तो आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, इससे आपके फेस पे ग्लो भी आता है। जिनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें त्रिफला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है रोगों से लड़ने के लिए। जिनको नींद नहीं आती, सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, उन्हें भी त्रिफला जरूर लेना चाहिए। त्रिफला लेने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। रात को खाना खाने के 45 मिनट बाद आपको गुनगुने पानी के साथ त्रिफला को लेना चाहिए। और त्रिफला आप यानी कि जिंदगी भर ले सकते हो, 3 महीने भी ले सकते हो, 6 महीने भी ले सकते हो, जब तक आपका मन करे तब तक आप ले सकते हो, इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। त्रिफला से आपको पूरे बेनिफिट ही बेनिफिट है। जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ वो सब मैं आपको आयुर्वेदिक चीज़ें बताती हूँ, जो एक बिल्कुल रामवाड़ का काम करती हैं, ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो आज मैंने आपको त्रिफला के बारे में जानकारी दी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ, अगर उनमें से आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो, क्योंकि मैं कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताती हूँ, जितनी भी बताती हूँ आयुर्वेद की बताती हूँ, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल भी जाती हैं और जिनका आप सेवन करते हो तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देती हैं कि आपकी पूरी बॉडी के लिए वो लाभप्रद होती हैं। तो आपको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।